हाथरस की घटना को लेकर ये पंक्तियां याद आती हैं। आवाज दबा दी गई और सांझ बच गए, खाकी के और खादी के सब राज बच गए, ना जज बैठे ना कोर्ट लगी सजा मुकर्रर, सारे टिड्डे मारे गए और बाज बच गए। ये वही जगह है, सत्संग चल रहा था। दोस्तों अभी मैं जिस जगह पर खड़ा हूँ ये वही जगह है जहाँ पर सूरजपाल बाबा, जो भोलेनाथ बाबा के नाम से भी मशहूर हैं, उनका सत्संग चल रहा था। मैं अपने वीडियो जर्नलिस्ट देव कौशिक से कहना चाहूँगा, दिखाएं पीछे का दृश्य, जो मैदान है जहाँ पर सत्संग चल रहा था, यही वो जगह है जहाँ पर भागदड़ मची और भागदड़ में 121 लोगों की मृत्यु की खबर सामने आई। आधिकारिक रूप से 121 लोगों की पुष्टि हुई है और यह घटना प्रदेश की बड़ी घटनाओं में शामिल है। कहा जाता है कि यह प्रदेश की सबसे बड़ी घटना थी जहां निर्दोष लोग अपनी जान गंवा बैठे। बाबा इधर से निकले थे और उनकी धूल लेने के लिए, लोग कहते हैं, यहां के स्थानीय लोग बताते हैं कि धूल लेने के लिए भागे उनके पीछे और उसी में भगदड़ मची। ये वही जगह है जहाँ पर भगदड़ मची थी। पीछे देख सकते हैं आप लोगों के पैरों के निशान, जहाँ पर 80,000 लोगों के आने की परमिशन थी और लाखों लोग यहाँ पर आए। चप्पलों देख सकते हैं आप किस तरीके से लोगों के चप्पल पड़े हुए, महिलाओं के चप्पल आपको दिखाई देंगे यहाँ पर, बच्चों के चप्पल दिखाई देंगे। तो उत्तर प्रदेश सरकार के नाक के नीचे ऐसी घटना हो जाना अपने आप में सवाल पैदा करती है। योगी सरकार जिस तरह से बड़े बड़े प्रशासनिक व्यवस्थाओं की दुहाई देते नहीं थकती, डींगे हाँकते नहीं थकती, डबल इंजन की सरकार है। पुलिस प्रशासन के नाम पर यहाँ पर 40 लोग की उपस्थिति थी ऐसा कहा जाता है। व्यवस्था पूरी चरमरा गई थी उस दिन, 2 जुलाई के दिन जो एक घटना हुई, बहुत बड़ी घटना थी जिसमें निर्दोष लोग अपनी जान गंवा बैठे। आज उनकी जान का जिम्मेदार कौन है? क्या 2 लाख रुपए में उनके घाव भर जाएंगे? यह सोचने का विषय है।